हजारीबाग के रहने वाले नेवी जवान गौतम गुप्ता देश की रक्षा करते हुए अमर बलिदानी हो गए। उनका अंतिम संस्कार सोमवार यानी आज उनके पैतृक गांव में सैन्य सम्मान के साथ किया गया। नम आंखों से लोगों ने बलिदानी गौतम को विदा किया। मिली जानकारी के अनुसार जवान गौतम गुप्ता विशाखापट्टनम में तकनीकी विभाग में अफसर थे। 18 नवंबर की शाम वीर जवान बाइक से कहीं जा रहे थे, तभी वे सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान 19 नवंबर को नेवी जवान गौतम वीरगति को प्राप्त हो गए। सोमवार को उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचा, जिस दौरान हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। तिरंगा रैली में हाथों में तिरंगा लिए लोग बलिदानी गौतम अमर रहे के नारे लगा रहे थे। कोनार नदी के निकट वीर जवान का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि जवान गौतम गुप्ता हजारीबाग के हुरूरू गांव के रहने वाले थे। वे 8 साल पहले नेवी में शामिल हुए थे। उनके बड़े भाई कैलाश गुप्ता भी नेवी में अफसर हैं। दोनों भाई वहीं साथ रहते थे। जवान गौतम अविवाहित हैं। वीर जवान 3 भाई और 1 बहन है। शिवालिक जनरल नेवी जवान गौतम गुप्ता को श्रद्धांजलि अर्पित करता है, साथ ही राष्ट्र सेवा के लिए उनका दिल से धन्यवाद करता है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।